नमस्कार, मैं हूं राघव। आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस समय मैं मौजूद हूं हल्द्वानी स्थित कार्यालय में। आज हम बात करेंगे युवाओं के सबसे बड़े शौक की, शौक ड्राइविंग का। ये हर उस युवा का शौक होता है। अगर वो बाइक में है, कार में है, तो उनका सीधा हाथ ड्राइविंग सीट पर जाता है, स्टीयरिंग पर जाता है। ये युवाओं का शौक अब केवल पहाड़ तक सीमित नहीं है, पहाड़ में रोमांच तक सीमित नहीं है, ये सफ़र अब विदेशों तक जाने लगा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बढ़वाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2020 में हल्द्वानी से इंटरनेशनल परमिट बनवाने वालों की संख्या मात्र 10 थी, जो लगातार बढ़ती जा रही है। और डेटा की अगर मैं बात करूं तो 2021 में ये संख्या 24 हो गई, जो दोगुने से भी ज़्यादा है। इसके अलावा 2022 में ये संख्या 3 गुना से ज़्यादा होकर 90 तक पहुंच गई। वहीं 2023 में ये संख्या 100 से ज़्यादा 130 तक पहुंची। आज इस साल इस सितंबर में अभी तक 71 लोग इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जो विदेशों में विदेशी नियमों के हिसाब से अपनी ड्राइविंग स्किल को देखते हैं। ज़्यादातर माना जा रहा है, एक्सपर्ट की माने तो, लोग अपने हुनर और हनीमून, कोई व्यवहारिक मीटिंग, पारिवारिक कार्यक्रम या घूमने के उद्देश्य से अगर विदेश में जा रहे हैं तो वहाँ पे वो खुद ड्राइविंग करना पसंद कर रहे हैं। इसकी ज़्यादातर वजह इंटरनेट मीडिया भी माना जा रहा है। आइए इस बारे में आपको हम ले चलते हैं हल्द्वानी के ARTO संदीप सैनी के पास। उनसे जानते हैं कि क्या है प्रक्रिया, क्या है लोगों में उत्साह। लोग इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए काफ़ी रुचि रख रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या वजह रहती हैं और लोग किस प्रकार से इसे जाना पसंद कर रहे हैं? इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है, इंडिया से किसी भी अदर कंट्री में अगर जाते हैं तो वहाँ ड्राइविंग के लिए जो हम यहाँ से IDP यूज़ करते हैं वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। और अलग अलग कंट्रीज़ में वहाँ हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अगर किसी के पास IDP होता है तो वहाँ उनको अलाउ कर दिया जाता है। जैसे आजकल रेंट कार स्कीम चलती हैं तो लोग खुद एक्सप्लोर करना चाहते हैं ड्राइव करके, तो स्पेशली US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ के लिए ज़्यादा IDP इशू हो गए और आफ्टर कोविड इसमें जो है बढ़ोतरी हुई है। कुछ ऐसा एज वर्ग है जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो? हाँ, आपका 25 से 40 की जो एज वाले लोग हैं उनका ज़्यादा बनता है, क्योंकि आजकल लोग स्टडी के लिए भी जा रहे हैं और आजकल टूरिज़्म भी काफ़ी बड़ा है कोविड के बाद, तो इसलिए लोगों में रुचि बढ़ी है। परिवहन विभाग की क्या कोशिश है कि इसको और बढ़ावा देने के लिए हम क्या प्रयास करेंगे? इसमें हमारा पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फीस जमा करते हैं, पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी, अगर ऑन अराइवल वीज़ा है तो एयर टिकट लगता है आपका, एक मेडिकल लगता है, उसके बाद हमारे यहाँ बायोमेट्रिक्स होता है, हम उसको 1 दिन के अंदर ही प्रोसेस को कम्प्लीट करवा देते हैं, जिससे लोगों को सेम डे अपना IDP मिल जाता है। जी, धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे RTO संदीप सैनी। इन्होंने बताया कि लोग किस तरीके से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को इशू करा रहे हैं, क्या उनकी मंशा रहती है, क्या प्रक्रिया होती है। इसके लिए परिवहन विभाग भी तत्पर है। उनका कहना है कि अगर कागजी कार्रवाई, सभी कागज़ के साथ कोई आता है तो 1 दिन के अंदर पूरा DL का प्रोसेस पूरा हो जाता है। आपको बता दें कि दुनिया भर के 150 से ज़्यादा देशों में भारतीय लाइसेंस की वैधता मानी जाती है। इसके लिए बस लोकल परिवहन कार्यालय से एक परमिट जारी होता है जिसकी वैधता 1 साल तक होती है। ये परमिट कभी रिन्यू नहीं होता है, इसको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है और परिवहन विभाग जांच करके दोबारा वो परमिट इशू करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।